वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो पैल वर्ल्ड। और जैसा कि आप सभी को याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने अपने आप को अपग्रेड किया था और बहुत अच्छे अच्छे पैल्स पकड़े थे, जिसमें से था एक बॉस पैल। और आज मैं अपनी टेक्नोलॉजी से सारे नए काम के आइटम्स अनलॉक करने वाला हूँ और उनको बनाने वाला हूँ। उसके बाद अपन जाने वाले बॉस फाइट करने, सो लेट्स गो। ओके, तो इस टाइम पे मैं अपने घर पे और मैं जाने वाला हूँ सबसे पहले अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर और देखने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं जो कि मैंने अभी तक अनलॉक नहीं करी है। जैसे कि हो गया ये बियर ट्रैप, शायद ये बियर को फंसाता है कि किसी को भी फंसा देता है। ओके, ये किसी को भी फंसा लेगा, नाम बियर ट्रैप है बट इसके अंदर कोई भी ट्रैप हो सकता है। स्मॉल वाला है, शायद नीचे बड़ा वाला भी अनलॉक होगा। और एक ये फेदर है कि ये कुछ तो इंजरीज से बचाएगा, तो इसको अनलॉक कर लेते, इसको पहन लेंगे। अपन को पहले अनलॉक करना चाहिए था। और आगे चलते हैं, ये अपने पास मेटल और अपने पास कूलर बॉक्स। ये देखो, एक सेकंड, ये मैंने यहाँ देखा था कि अपने को अभी जो है इसको अपग्रेड करने के लिए कूलर बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो इसको अनलॉक और करते हैं। और अभी मैं जाने वाला हूँ सबसे नीचे। नहीं, एक सेकंड, ये मील और अनलॉक करनी है मेरे को। ये मील वीट को फ्लोर में बदलने के काम में आती है। मेटल का आर्मर अनलॉक करना है। और ये शायद हेलमेट है कि नहीं, हेलम लिखा हुआ है, देखते हैं क्या काम आएगा। बाकी अपने पास फ्लफी पाल बेड भी आ गए, तो ये और अनलॉक करना है मेरे को। और कई ऐसी चीजें जो कि मैंने बनाई नहीं अनलॉक करने के बाद, तो आज अपन सब बनाएंगे। देखो, सबसे पहले तो अपने के अंदर आया एक मील, तो मील बनाते हैं। मील अपन ने एक मील तो ये बना रखी है, देखो यहाँ पे इसके जस्ट पीछे लगा देते थोड़ा सा इधर। ओके, ये कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें रिक्वायर्ड वाटरिंग मांग रहा है बट मैंने कुछ डाला ही नहीं इसके अंदर। ओके, इसमें फ्लोर बन जाएगा और इसका न्यूट्रिशन है 3, ठीक है। और अपनी वीट का न्यूट्रिशन कितना था, एक सेकंड, न्यूट्रिशन 6, एक सेकंड, वीट का बल्कि ज्यादा है, तो मैं फ्लोर क्यों बनाऊं भाई, कोई एक्सप्लेन करेगा मेरे को, लेकिन ठीक है, बना के देखते हैं। और अपने पास एक नया ऑप्शन अनलॉक हुआ है, अलाउ ट्रांसपोर्ट बाय पल्स। तो अगर इस पे अपन कर देते हैं तो यहाँ पे जो भी बनेगा वो डायरेक्ट अपनी चेस्ट में चला जाएगा। ऐसे ही मैंने बहुत सारे इंगट्स भी बनाए थे जो कि अपन डायरेक्ट भेज सकते हैं चेस्ट में, यहाँ से बस टिक मार्क करना है। ओके, तो अभी मैं बनाने वाला हूँ लार्ज टूल बॉक्स। यहाँ पे इसको बना देते हैं और इसके अंदर देखते हैं, शायद मेरे को लग रहा है इसके अंदर अपन सारे अपने टूल्स रख सकते हैं। ओके, ये बन चुका है। इसका काम क्या है, सारे इंगट खा गया भाई, ये काम का क्या है ना, इस पे क्लिक हो रहा। ओके गाइस, ये काम आता होगा शायद, पाल्स औरों के काम आता होगा, मेरे तो काम आ नहीं रहा है, बट ठीक है, अपने को ये बना के देखना था कि इससे होता है। ओके, तो अभी अगली जो चीज है वो अपन बनाने वाले बिग ट्रैप, मतलब ये जो बियर ट्रैप है इसका लार्ज वाला। स्मॉल वाला भी अनलॉक अभी किया है, शायद मैंने लार्ज वाला पहले अनलॉक कर रखा था, तो अभी अपन ये बनाने वाले हैं। और इसको अपन ऐसी जगह लगाएंगे जहां पे वो मेहमत आता है। इन सब चीजों को छोड़ो, अपन खोलते हैं अगली चीज जो की है अपनी कूलर बॉक्स। तो इस कूलर बॉक्स को कहां लगा जाए, इसमें खाना स्टोर होता है, तो इसको अपन घर पे लगाएंगे। तो अभी ये बन गया है और इसको खोलते हैं और इसमें क्या रख सकते हैं। इसमें भी नॉमिनेट आ रहे हैं, इसमें भी मतलब क्या है, जब इसमें भी टाइम आ ही रहा है, क्या पता गाइस, इसको रख के देखते हैं। यहाँ पे 10 मिनट का टाइम दिखा रहा है, अपन आते हैं 10 मिनट के बाद, अगर ये गायब हो गए तो ये कूलर बॉक्स घटिया है। पाल मैनेजमेंट मेन्यू अपग्रेड होने को तैयार हो गया, तो अपन इसको करते हैं अपग्रेड। और अगला भी खुला हुआ है, ओके, उसके अगला भी खुला हुआ है, अब नहीं खुला हुआ, डिस्ट्रॉय। अभी मेरे को फ्लफी जो बेड मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में वो बनाना पड़ेगा। इसको डिप्लॉय करते हैं, ये थोड़ा बहुत हाथ बटा देगा, इसको अभी तक नहीं बाहर निकाला, ये आदमी बड़ा मोटा है। 12 पाल्स अपन इसमें डाल सकते हैं, 2 और डाल सकते हैं, क्या बात है। अब मैं एक रॉबिन क्विल और डाल देता हूँ क्योंकि प्लांटिंग में मदद कर रहा है और मेरे को खाना बहुत सारा चाहिए, ये भी प्लांटिंग में मदद करेगी। ओके नाइस, अभी देखो अपने बेस पे कितने सारे जानवर हैं, मतलब अपने पेट्स हैं, जानवर नहीं बोलते इनको, ठीक है। अभी नेक्स्ट अपन बनवाने वाले हैं एक सैडल जो की होगी वैनबर्म की, क्योंकि आज से अपन अपना उड़न खटोला चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इससे अपन तेज उड़ सकते हैं। और ये ट्राई भी करना है मेरे को, इससे तेज उड़ सकते हैं कि नहीं। मेरे पास ये पैट तो है और वो पैट कहाँ है, कहाँ है, पैट मेरे अंदर ही था। तो अभी इसको अपन छोड़ते हैं और ट्राई करते हैं इसके ऊपर उड़ने का। बैठ गया और ये तेज उड़ रहा है उससे। ओके, अपने को एक नया उड़न खटोला मिल चुका है, इसको रखते हैं अपन अपनी जेब में और इसको अपग्रेड भी करेंगे। वैसे 21 लेवल का है, एबिलिटीज भी अच्छी खासी है, 300 का अटैक है, क्या ही चाहिए। और अभी अपन बनवाते हैं फेदर्ड हेयर बैंड, ये शायद अपनी वर्क बेंच में बने। ओके, बन रहा है वर्क बेंच में, तो इसको बनवाते हैं। मेटल आर्मर बनाएंगे गाइस, इसका डिफेंस देखो तुम 70 का है और किसी का नहीं है, सबका 45 है। आर्मर बनाते हैं इसको फटाफट से। ओके, अपना आर्मर बन चुका है गाइस, ये देखो ऐसा था मेरा ये आर्मर, अभी मैं बदलने वाला हूँ अपना आर्मर। और ये ओ भाई, ये सही में मेटल का है, बगल में मेटल भी लगा रखा है, लेकिन एक कंधे पे लग जाएगी, फिर दूसरे कंधे का क्या काम। अरे भाई, दोनों कंधे का देना चाहिए ना, आधा आधा देते हैं लोग। चलो अपना पुराना वाला आर्मर जो है उसको इसके अंदर रखवा देते हैं। दूसरी अपन डिफेंस की चीज बनवाने वाले हैं, ये देखते हैं क्या काम आता है। मैंने बनवा तो लिया है, एक सेकंड, अभी इसको पहने कहां, मेरे पास आया भी नहीं। ओके, ये हेलमेट ही था जिसको हेलम कर रखा है इन लोगों ने, इसका डिफेंस भी बहुत सही है। और मैंने कहां पहना है, बस अपने यहां नहीं टकरा सकती, बाकी सब जगह टकरा।
सकती भाई कोई भी चीज। डिफेंस बहुत तगड़ा है भाई इनका, हेड प्लस सिक्योरिटी है। अभी अपन बनाएंगे फैदर्ड हेड बैंड, और ये शायद हाथ पे पहनेगा या रिस्ट पे पहनेगा, देखते हैं। ये भी कुछ अच्छा सा लग रहा है, और इसने शायद पहन लिया है। ओह इस आर्मर में लाइट भी चलती है देखो। ओके कान की बाली है भाई ये इसकी। बाकी रात हो गई है और मैंने पाल्स के बेड नहीं बनाए, तो सबसे पहले मैं पाल्स के बेड बनवा देता हूँ, वरना बेचारे सोएंगे कहाँ। मैं तो अपना एक बेड पे जाके सो जाऊंगा। ओके मैंने चार बेड और बनवा दिए, वैसे एक एक्स्ट्रा बनवा दिया, कोई बात नहीं। अब ये सारे लोग आराम से सो सकते हैं यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ अपने बेड पे सोने। गाइज गुड मॉर्निंग। अभी अपन देखने वाले अपने एग में, जो कि सिर्फ पिछले एपिसोड में रखा था, मैंने खोल के नहीं देखा इसमें है क्या। और इसमें अपने को मिला है कोई तो नया पाल, घोड़ा प्रजाति का है भाई। इसका अटैक देखने देना मेरे को, 109 का अटैक है। ओके ये जैसे ही बढ़ता जाएगा धीरे धीरे करके अच्छी चीज हो जाएंगी इसकी। बाकी इसका वर्क थोड़ा अच्छा नहीं है, डिफेंस भी अच्छा नहीं है, बाकी देख लेंगे। ये जैसे जैसे लेवल अप करेगा वैसे वैसे अच्छा होगा, बाकी लुकिंग में बहुत सही चीज है। अभी अपन देखते हैं इसके अंदर अपना फ्लोर हो गया होगा, तो एक सेकंड ये सारा खाना लेते हैं अपन इसमें से। और फ्लोर से बन रही है ब्रेड बटर जैम, जैम फिल्ड बर्न, ये जो अपन ने फ्रिज में स्टोर कराया था। क्या सेंस बना इसका, कोई बात नहीं देखा जाएगा। अभी आधे से ज्यादा मैंने इसके अंदर रखवा दिया है, बाकी खाना मेरे पास पड़ा है। अभी अपन जाते हैं अपनी वर्क बेंच पे, और अपन मेगा ग्लाइडर बनवा सकते हैं। इसके लिए अपने कुछ ये क्लोथ, तो अपन सबसे पहले बनवाते हैं क्लोथ जितने बन जाए। ओके डन, मैंने क्लोथ बना लिए। अभी मैं बनाने वाला हूँ मेगा ग्लाइडर। ये शायद अपन कहीं से कूदें तो ये आराम से उतारने के काम आएगा। ट्राई करते हैं अभी कहीं से ऊंचाई से उतर के। लेट्स गो। मेरे को डबल बार जंप करना होगा अगर मुझे इसको यूज करना है। क्या सही चीज है, और ये शायद स्पेस खाता है मेरा। नहीं ये की आइटम्स में पड़ा रहता है। नहीं यार की आइटम्स में भी नहीं है, बट यहाँ पे ओके ग्लाइडर में आ गया ये। बट ये वेपन क्यों बनवाना जब अपने पास इतने अच्छे अच्छे वेपन है। बट ठीक है बनवा लेते हैं। मारूं किसको, मतलब काटूं किसको, क्या करूं इसका। इसको छोड़ो गाइस, इसको अपन रख देंगे अंदर, अगर कुछ काम आएगा तो आगे पता पड़ जाएगा। अभी टाइम है अपने आप को अपग्रेड करने का और नई नई गने बनाने का। जैसे कि मेरे पास ये स्टन बैट, जो कि शायद इलेक्ट्रिक शॉक देता है किसी को भी पढ़ने पे, एक ये बनवा लेता हूं मैं, जिसमें 20 इलेक्ट्रिक ऑर्गन काम में आने वाले हैं। ओके ये बन चुका है। अभी इसको मैं सबसे पहले इस पे ट्राई करने वाला हूं। इधर ब्रो, ओके पड़ा करंट, सही है भाई, सही चीज है, सही चीज है, किसी को थोड़ी देर रोकने के लिए काम में आ सकता है। अभी बनाते हैं अपन दूसरी गन, जो की है गैपलिंग गन। मैं नॉर्मल वाली नहीं बनवा रहा हूँ, डायरेक्ट हैवी वाली बनवाते हैं, और इसको देखते हैं इसका वर्क क्या है। ओके इसका अटैक है 0। ओके अरे इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया रे। अरे इसको सीधी भाषा में क्या बोलते हैं मेरे को ये नहीं पता। अपन इससे दूर दूर जा सकते हैं, बट इतना भी दूर नहीं जा सकते यार। अच्छा पेड़ पे काम नहीं, पेड़ पे काम कर तो रही है यार, ये छोटी मोटी चीज है, ज्यादा दूर लेके जाए तो बात है। देखो अब नीचे जाना है तो नीचे जा ही नहीं सकते। मैं कर रहा हूँ क्लिक, नीचे नहीं जा रहे, यहाँ पे भी नहीं जा पा रहे। अरे मेहमत राजा वहां वाले नहीं है क्या? ओ मेहमत राजा तुम आओगे क्या हमारे घर को? एक सेकंड साले आ जा, तेरी गुद्दी में जी बजाऊंगा आज तो। गाइस आज इसको लेकर आऊंगा, आज मैं, मेरे पास फुल प्लानिंग है। गाइस मैं खाली करके रखता हूँ। अरे बॉल फेंक रहा है आदमी। अरे यार ये आदमी फंस गया है क्या? अरे हवा मार रहा भाई, ये आदमी है पजामा। आ जाओ बैठे, मारो इसको मारो। गाइज मैं इसको यहीं हरा दूं तो तुम मेरे को डांटोगे तो नहीं? भैया बैठ गए, ये देख उधर पे फोड़ लिया क्या? आ गया क्या, आ गया क्या, ऊपर आएगा कि? गाइज अब मार खाएगा ये, बस आ ही गया है वो पास में, करीब करीब आ गया भाई। मैं मत राज थोड़ा किसने किया, ऐसे क्यों लग रहे है? भाग गए मैं मत राज, तुम्हारी गुद्दी तोड़ दूंगा। भाग बेटा भाग, आया तू आधी एचपी कर दी मैंने अकेले ने। आ गया आ गया आ गया, मार साड़े को मार। साला हेल्थ रिकवर कर रहा है सो के, बोले कि बाद में लड़ूंगा तुम लोगों से। गाइज मैं अकेला फाइट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। ओके ओह इसीलिए मैं पास नहीं जा रहा इसके। आ गया करंट, आ गया करंट, आ गया ये ठुकी। आजा 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 बेटे आजा। गाइस एक बार तो करंट मैंने भी लगा दिया इसके। ओके इसका वो आ गया, वो आ गया। नहीं 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 नहीं, 1.8% है इसको पकड़ने के चांसेस, बट मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। गाइस मैंने मेहमत पकड़ लिया है, ओ भाई मेरे पास ही है ये आदमी। गुड नाइट गाइज, अभी मैं जाता हूँ सबसे पहले, और इसकी जो एचपी है ओके वो भी रिकवर होगी क्योंकि मैं इसको लेके सो गया था। अभी मैं पकड़ने वाला हूँ सारे बॉस पाल्स को, जो कि तुम्हें मैप में दिख रहे होंगे 1, 2, 3, क्योंकि ये सारे ड्रैगन टाइप है, जिसमें बस मैं एक अपना ये मेहमत लेके जाऊंगा, बाकी सारे ड्रैगन लेके जाने वाला हूँ। ड्रैगन टाइप्स के पास ड्रैगन लेके जाने चाहिए, बट उनसे अच्छे हैं तो क्यों नहीं वो लेके जाऊंगा मैं। बाकी मेहमत का 290 का ही डैमेज है, यहाँ दिखा रहा 370 का। ठीक है गाइज बट लेके चलते क्योंकि इसकी एचपी बहुत ज्यादा। ठीक है तो अभी अपन चलते हैं सबसे पहले इसके पास, जिससे कि मैं हार के आया था 2 बार सीरियसली, 1 बार मजाक में, तो इसका मजाक मैं बना के आता हूं। गाइस रुको सही तो जा रहा हूं मैं मैप में। ओके इधर जाना है मेरे को, और एक सेकंड ये आवाज, गाइस ये आवाज सुनो,
ये कहीं तो मेरे आसपास लकी पैट है भाई जी। लकी पैट की ऐसी आवाज आती है जिसको अपन लेते हैं तो कुछ तो स्पेशल मिलता है। ओके करीब होती जा रही है आवाज, बट मुझे कोई नहीं दिख रहा है। गाइस अभी अपन आ गए एल्फी ड्रेन के पास। एल्फी ड्रेन यार ये रॉबिन क्विल क्यों फिरते रहते हैं यहाँ पे? मैं डायरेक्ट मेहमत से लड़ा रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ओके लड़ाई हो गई है इनकी और वो मेरे को ही मारने आ रहा है यार। भाई वो ज्यादा खतरनाक है यार, अगर ये ऐसे मेरे को ही मारेगा तो फिर ब्रो 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 नहीं इसका अटैक। अबे ये क्या कर रहा है? शिट 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 गाइस अभी देखते हैं इनका अटैक, क्योंकि ड्रैगन टाइप वर्सेस ड्रैगन टाइप है जिसमें कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पा रहे हैं। बट बेटे मैं मत उतार दूंगा मुंह पे, ठीक है? बकवास तो करे नहीं। ये ले मां 600 का डैमेज पड़ गया इसको। ये परफेक्ट टाइमिंग गाइस। ओके सही जा रहा सब सही जा रहा है, अभी फिलहाल सब सही जा रहा है। यहाँ पे आ गया ये आदमी, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम लोग? आ गया मार इसको। ये बात 600 की एचपी बाउंडर कहां से आया? ओके 669। ये सही अटैक कर रहा भाई, ये चीज है भाई, ये चीज है, सही में चीज है, छोटा मोटा खेल नहीं है। देखो इसकी एचपी कितनी जोर से कम कर रहा है ये। एक और मार सड़ेगे तब मानेगा याद। नोगी का स्फीयर से बकवास नहीं भाई। सही है। मेगा स्फीयर यूज कर रहा हूं मैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरे को पता है ये आदमी नखरे करेगा थोड़े से। अब ये ड्रैगन काम आएगा और ड्रैगन्स को पकड़ने में। ओके गाइस अभी जा रहे हैं अपन सबसे पहले घर पे जाते हैं अपन, बनाएंगे गीगा स्फीयर्स और फिर अपन चलेंगे और ड्रैगन्स को पकड़ने। तो ऊपर चढ़ जाएगा इतनी एचपी में, बहुत एचपी ब्रो। अरे यार इससे लड़ रहा तू, लड़ता रहा बढ़िया, यही तो एक्सपीरियंस बढ़ने काम आते हैं छोटे मोटे परिंदे। गाइस इस बंदे को मैंने जितना खिला पिला के फुला दिया है ना भाई, ये बहुत सही मारता है। ओके मेरे पास तो ग्लाइडर भी है, मैंने देखा ही नहीं। अभी मैं देखने वाला हूँ अपना सिकंदर। ये रहा मेरा सिकंदर का, ये रहा। इसका अटैक है 332 का और डिफेंस है 293 का, बाकी है अपनी लेवल के बराबर का हो रखा है। और गाइस मेरे पास और कुछ नए नए फ्रूट्स हैं। ये लाइटनिंग स्ट्राइक है और ये एसिड रेन है। गाइस ये बहुत सही सही चीज है जो कि मैं खिला सकता हूँ अपने पेट्स को, और मैंने एक को इतना पावरफुल बना ही रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी को और पावरफुल बनाते जाए। बाकी मेरे पास थोड़ा बहुत खाना है, ऐसी बात नहीं है। मैंने यहाँ पे मेहमत देखा, वो जा रहा गाइस, वो जा रहा 35 लेवल का है। इसको मैं लेके जाने वालों क्योंकि घर पे, अब अगर ये भी घर पे नहीं आया ना तो ये भी भाई फिसड्डी तो है। एक सेकंड मैं इससे अटैक करवा के देखता हूं ना भाई। गाइस अभी अपन इसका अटैक टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या उखाड़ पाता है। वहां पे बहुत गंदी तरीके से मार रहा था, ये यहां भी गंदी तरीके से तो मार रहा है। गाइस ये मेहमत भी खत्म, एक बार में दो मेहमत पकड़ूंगा मैं। गाइस यहां पे अपन शो कर सकें कि अपन ने इसको भी मार दिया है। ये देखो दो मेहमत आ गए हैं। एक सेकंड पकड़ में आ जा ब्रो। एक भी बॉल बेकार नहीं प्लीज यार, देख प्लीज यार भाई, ये ना मेरा मेगा स्फीयर में आना चाह रहा है क्या? प्लीज ब्रो क्या कर रहा है यार भाई, इसके एक और मारियो लास्ट है ब्रो, आए तो आजा वरना मर जाइयो जाके। मर जा तो फिर कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी मेरे को। ओके तो अभी सुबह हो चुकी है और मैं सबसे पहले बनाने वाला हूँ गीगा स्फीयर्स, और सिर्फ गीगा स्फीयर्स क्योंकि यही काम आएगी। बाकी अपन बना लेंगे मेगा स्फीयर्स भी, बट वो क्या ही काम आएगी, वो अपन अभी जिनसे भी लड़ने वाले हैं वो सारे 30 लेवल के होने वाले हैं। और आज के एपिसोड में मैप में जो शो करता है मेहमत उसको भी मारने वाले हैं। तो मैंने बना ली है 28 गीगा स्फीयर्स, बाकी पाल स्फीयर्स अपने पास 22 पड़ी है जो कि किसी काम की नहीं है। एक मेगा स्फीयर है तो पता नहीं इसका कुछ होगा नहीं होगा। अपन गीगा स्फीयर से पकड़ के आते हैं इसको और इसको, यूनिवर्ल्ड के लिए अपन एक बार वापस घर आएंगे और जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाले बंदे उनको लेके जाएंगे। ये ड्रैगन है इसको पकड़ते हैं, और एक ये भी है, इसका मेरे को टाइप नहीं पता ये कौन सा ड्रैगन है या फिर ये क्या है, बट अपन चलते हैं सबसे पहले इसको।
ओके मेरे को पैदल ही जाना होगा, एक गंदे पहाड़ है भाई, भगो यहाँ से भगो। ओके तो अभी मैं गलत जा रहा था, बट मैंने एक फैंग लोप को अनलॉक कर दिया है। ठीक है पहले इसको पकड़ के आते हैं फिर पकड़ेंगे किसी और को। सही जा रहे, बगल में ही है गाइज, जितने घुल जाएंगे मैप में उतने पकड़ दूंगा आज में। ओके ये कुछ तो अच्छा सा एरिया है, यहाँ पे किसी ने किसी को कैद कर रखा है और किसी के हाथ में मशीन गन है, कोई सी भी नहीं वो नहीं है, इसके अंदर पेट शायद, इसलिए मैं नहीं लड़ने वाला हूँ। ये मशीन गन लेके आ रहा है मेरे पीछे, फाइट से पहले मार दिया भाई, मैं भाग रहा हूँ, वो पता नहीं किधर की साइड है, मैं तो मैप में देखा भी नहीं, मैं और आगे निकल गया, मुझे पता था भाई मेरे को यहाँ से सीधा जाना है। मैं ब्रेड बटर जाम खाता हूँ, इनको भी खिलाता हूँ, इसको खाने की बहुत जरूरत है। ओके गाइस मैं आ गया हूँ फिक्स उसी जगह पे, मेरे को यहाँ सामने शो कर रहा है बट वो पेट है ही नहीं यहाँ पे, ऐसा क्यों भाई, क्या ये ग्लिच है? लेट्स सी, मैं यहाँ जाके रीस्टार्ट करके आ रहा हूँ। ओके मैंने गेम तो रीस्टार्ट कर लिया है, यहाँ पे होना चाहिए कोई तो पेट, जा पे लड़ियो इससे लड़ियो, बट ये मेरे पीछे क्यों पड़ जा, इससे लड़ो बे। मोटा आ गया भाई, मोटा आ गया, इसको मारियो साड़े को, इसको मार भाई, ये खत्म भी कर देगा भाई, इसको मारना यार, ये बहुत भयंकर आदमी है, पता ही नहीं क्या लेके चलाता है, क्या चलाता है समझ। मेरे पीछे आ गए वो लोग, ओके ये बहुत सही लड़ रहा है, फिर चली उसकी गोली मेरे पे चली, इसको मार साड़े को, इसको मार, बहुत दादा बन रहा है ये आदमी। अबे नहीं, सबको खाने की जरूरत है इस टाइम, क्योंकि मुझे मारना है भाई, उस ग्लाइडर को मारना है, कहां से मार रहा है ये, शिट 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 शिट, ओ भाई शिट, भागना पड़ेगा मुझे, भागना पड़ेगा, वो ग्लाइडर मेरे पीछे पड़ गया यार, क्रशर क्रशर ग्लाइडर कह रहा था मैं इतनी देर से। ओके क्रशर अपनी जगह पे चला गया शायद, मेरे को मारना है क्योंकि सारे लोग मार दिए मैंने उनके, बस एक क्रशर बचा है और शायद वो यही है, जो भी है वो इंसान वो यही होगा, जा मार पे इसको, एक क्रशर ही तो बचा है, खत्म कर देंगे इस क्रशर को, तो खत्म करके जाना है। ओके पड़ी पड़ी पड़ी, क्रशर की बैंड बजी, बैठे छोटा मोटा समझ लिया था मेरे को, है छोटी कबूतर। ओके वो खत्म हो गया है, हट जा तू हट जा। गीगा स्फीयर वगैरह मिली यार, इसकी गन नहीं मिली ब्रो। गाइज मैंने इसको अनलॉक तो कर दिया है, बाकी यहाँ पे दो दो थे जिससे अपने को कुछ नहीं मिला है, और मैं प्रॉपर उस लोकेशन पे खड़ा हूँ जहाँ पे बॉस पाल होना चाहिए, जो कि नहीं है। थोड़ा गाइज क्या पता आने वाले टाइम पे यहाँ पे शो कर जाए वो बॉस पाल, फिलहाल मैं जाऊंगा पहले घर। ओके गाइज अगली सुबह हो गई है, मैं इससे पिछली बार सो गया था जिससे कि मेरा पेट रिकवर हो जाए, जो कि रिकवर हो गया है, और एक पेट में बदल के ले जाने वाला हूँ, इसकी जगह पे लेके जाऊंगा मैं इसको। हाँ ये ड्रैगन वाला नहीं है और मैं ड्रैगन वाला छोड़ के जा रहा हूँ, बट ठीक है ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि अपने पास बहुत अच्छे अच्छे पेट्स हैं, और मुझे इसको मारना है जल्दी से जल्दी, यहाँ से उड़ के जाएंगे। अभी अपने को यहाँ से जाना है एकदम सीधा, तो मैं निकलता अपना उड़न खटोला और लेट्स गो। बॉस पोकेमॉन शो क्यों नहीं कर रहा है, इसके अंदर है क्या? तुम लोग देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है यहाँ पे शो कर रहा है बट यहाँ है ही नहीं। ठीक है गाइस पता नहीं इसमें क्या दिक्कत हुई, शायद वर्ल्ड लोड होने में दिक्कत हुई होगी स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे कोई बॉस आए नहीं है गाइस, यहाँ पे कोई तो नया पेट है यार, मेरे को खोलना है गाइस, इनको बहुत दूर ले जाता हूँ फिर बताता हूँ बेटे तुमको। ओके फिलहाल अंदर कोई है नहीं, बट यार भागो भागो भागो, कुछ तो अनलॉक हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी अपने को सफलता नहीं मिली है, अपन जा रहे हैं वापस से ईगल के पास, और इस बार अपन जाएंगे यहाँ पे। ओके गाइस ये जस्ट इसके बगल में अपने को मिल गया है, मैं एक बार के लिए अंदर जाने वाला हूँ, देखते हैं इससे मैं फाइट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कुछ तो बड़ा सा ड्रैगन है भाई, इसके सामने डायरेक्ट मेहमत उतार देते हैं अपना, देखते हैं इसका अटैक वगैरह। मेरे पीछे आया कोई तो नहीं, नहीं अच्छा ये अपना ही बंदा है, पढ़ रही है, मार 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 मार, ये मारेगा। अबे मैं जान के लाइटिंग के सामने आया हूँ, अगला पेट रेडी है। ओके मैं अब छुपने नहीं वाला इससे, ऐसे इसकी मारी मैंने। ओके ये बहुत अच्छी एचपी खा गया, और खुद की बिल्कुल भी एचपी खत्म नहीं हुई है इसकी, ओ आधी एक बार में कर दी भाई, बोलते बोलते आधी एचपी कर दी, पड़ी बेटे बिल्कुल बिल्कुल भाई, दोनों बराबर के अटैक कर रहे हैं। लोड करने में इस गन को इतना टाइम लग जाता है ना, पता नहीं क्या ही बोलूं मैं यार, बहुत देर तो छोटी छोटी फाइट कर रहा है यार, ठीक है अब मेरे को मन नहीं है उससे कराने का, इससे लग मारने वाला सीन अच्छा ही नहीं लगता भाई मेरे को भाई, तेईस तेईस खड़े में, तेईस तेईस खड़े में, अब मेरा डैमेज देख बेटे। 32 गीगा स्फीयर्स हो गई मेरे पास, पता नहीं कहां से आई, शायद मैं कलेक्ट कर रहा था जो चेस्ट में से वहां से ये आ गई है मेरे पास। ओके 300 की एचपी हो गई है, एक तो मुझे मारना, अबे यार मेरे को मारना था, इस चक्कर में पिट गया। 57 डैमेज डैडी, ओके ब्रो
ओके एक बार में ले लिया भाई, एक बार में। गाइज डरें जिम करें, आ गए हम यहाँ पे भी। बट ये 35 लेवल का है, 4000 की एचपी भाई की। होगी लड़ाई, होगी 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 होगी। इसके बच्चों ने अटैक किया क्या उसके ऊपर? बच्चे बहुत है भाई इसके पास, बट बच्चों में ज्यादा जान भी नहीं है। छोटी मोटी चीज तो नहीं है ये, छोटी मोटी चीज हो कि नहीं हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, कुछ तो काम आएगा। ओके एक को ले लिया मैंने, कैच ही कर लिया एक को। अरे बेटे 1000 का हेड शूट बोलती तो मार। ओके अबे गाइस ये क्या चल रहा है सामने बताओगे? छोड़ो गाइस मैं जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये लोग काम करेंगे नहीं, क्योंकि मैं पानी का एक भी एनिमल नहीं लेके आया हूँ। मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट घर पे, और देखते हैं अगर अभी कोई नया पाल बचा होगा, जैसे कि मतलब ये पाल तो अभी लड़ने लायक था नहीं क्योंकि मेरे पास ना कोई पेट थे ना कुछ। ओके बाकी ये एक पेट बाकी रह गया यूनिवोल्ट, इससे लड़ते हैं और इसको खत्म करते हैं। उससे पहले मेरे को इलेक्ट्रिक पाल्स लेके जाने पड़ेंगे, पहले मैं सो जाता हूँ और आज के दिन सुबह उठ के मैं जमाने वाला हूँ सारे इलेक्ट्रिक पाल्स। ये मैंने पार्टी बना ली है, लेट्स सी अगर हारेंगे तो हार जाएंगे, बट मैं हारूंगा नहीं, मैं इतना कंफर्म हूं। तो अभी मैं जा रहा हूं फटाफट से इधर की साइड यूनिवोल्ट के पास, लेट्स गो एंड वी गेट दैट यस। और अभी भाई को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का झटका देते हैं। बेटे 4 गुना साइज का है, ठीक है मर जाना एक दो गोली में, जब तक सामने से वो चिढ़ेगा नहीं जब तक हम नहीं मारेंगे। मुंडे पे मारूंगा, मुंडे पे नहीं, ये ले से लड़ो रो। चिट 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 पे जाना। गाइस देखो क्या फाइट चल रही है अपनी, एकदम सस्ती सी फाइट है। ये देखो आदमी के मैं गोली मार के हूं, हेड पड़ी ये। ओ नहीं डरता हूं क्या? बिल्कुल नहीं भाई बिल्कुल नहीं। आजा आजा आजा, हां भाई तू खा खाना खा। ओए एक ट्राई बस। अरे यार ये चल, ये देना चाहिए था इसको शॉक। ओके गाइज इसे 3 इसलिए दिखा रहा है यहाँ कोने पे क्योंकि 2 मैंने नॉर्मल वाले पकड़ रखे हैं, ये बॉस वाला था भाई। गाइज सब जगह टिक आ गया है। और हाँ अभी ऐसे कैसे ये बच रहा है भाई? मैंने बोला था इसको मार के जाऊंगा तो मार के जाऊंगा, रुको 2 मिनट रुक जाओ। मुझे करने दो सबसे पहले अपने आर्मर्स रिपेयर, जिसके लिए इंगट नहीं है यार। ओके मैंने सब कुछ रिपेयर करा दिया है, बाकी कुछ रिपेयर कराने के लिए है नहीं। मेरे सारे पेट्स रेडी हैं, कुछ पेट बदलने हैं बस मेरे को। जैसे कि एक हो गया ये और एक ये भी चलेगा। इसका 407 का डैमेज गाइस, जिसको अपन अभी अभी पकड़ के लाए, इसको लेके जाते हैं। इसका अटैक भी देख लेंगे, तीनों चारों 25-25 लेवल के हो गए अपने पास। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, इस मेहमत को मैं पकड़ने का ट्राई करूंगा, बाकी नहीं भी पकड़ में आए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट हाँ यार 38 लेवल का है, पकड़ना चाहिए इसको। और ये सामने मेरे को दो दो चीज कैसे शो कर रहा है? ठीक है सबसे पहले अपन इसको लड़ाने वाले यूनिवोल्ट से, जो अभी अपन अभी अभी लाए। बाकी पड़ी भाई के, ये फोकस कर रहा है और ये पड़ी बे 8 का डैमेज भाई, छोड़ तेरे बस की नहीं है, ये जाएगा। ये काम बढ़िया करता देव गाइस, देखा तुमने बेटे? तेरे को तेर से लड़ा दिया जाए तो क्या बोलता है तू? ओके बच गया गाइस, क्या इसको मैं मार पाऊंगा? इसके सर पे अटैक करना है मेरे को, ये जिसके पास जो पैर वाला अटैक है उससे मैं नहीं बचा सकता, बाकी अटैक से मैं बचा सकता हूँ क्योंकि बाकी अटैक मुझे पता पड़ जाते हैं। ना कर पाए बेटा तू, मेरा कुछ ना कर पाए। गाइस मुझे खाना लाना है यार कैसे ना कैसे करके घर से। यार उसने अपनी एचपी रिकवर कर ली होगी, मैं बिल्कुल नहीं जाता, बट मेरा खाना खत्म हो गया था सुबह मारे यार, अब आधा तो खत्म कर ही दिया है। छोड़ो गाइस सुबह मिलते। तो गाइस आज का नया दिन और ये मेहमत खत्म। अबे कहाँ उड़ गया भाई ये आदमी? ये क्या बकवास, चीटिंग कर रहा भाई ये आदमी। गाइस कुछ तो गेम ग्लिच के चक्कर में ये यहाँ अटक गया है और ये मार भी नहीं रहा भाई, ये क्या दिक्कत है? अब मैं इसको मारूं कि नहीं मारूं? मैं मार के या तो खत्म करता हूँ इसको। ब्रो मेहमत से मेहमत ही हटवाएगा शायद ये, इसको मैं यहाँ छोड़ता हूँ।
गाइज ये क्या चल रहा है मेरे को कोई बताएगा। गाइज अब इसकी फाइट में मैंने 2700 की एचपी कर दी थी और ये भाई सब वहाँ अटके पड़े हैं, ना जाने क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। मजा नहीं आ रहा यार इसको मारने में। ऐसे एक जगह अटका रहेगा तो कैसे खेलूं फिर मैं इसके साथ। इस फाइट को कैंसिल करते हैं। देखो इतनी देर से वो मारे जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है चला गया बट कहाँ, नीचे तो आ गया है बट ये अभी भी नहीं मार रहा है। इसको 1v1 मैच में तो हरा ही दिया था, बाकी बस टिक ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे को टिक चाहिए इसलिए मैं इसको मार रहा हूँ, वरना मैं मारता भी नहीं क्योंकि अपने सब जगह टिक आ गए। बस अब कुछ नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, वहां टिक करने। इसको गाइज खत्म करते हैं, मिलते हैं तुम्हें से खत्म करके आज। गाइज बहुत बोरिंग काम है, मैं नहीं मार रहा हूँ इसको, ये मेरे से नहीं लड़ रहा है। एस्तेस कराने दो, इसके 1400 की एचपी कर दी थी, मैं इससे कभी नहीं लड़ूंगा। अगर इस तरीके से लड़ेगा तो एस्तेस करा के हड़पड़। ओके गाइज आज के लिए बस इतना ही। पता नहीं इस मेहमत ने लास्ट में बहुत परेशान कर दिया, वरना मैं इसको मार के बहुत अच्छे से एंड करता, लेकिन इस आदमी ने पता नहीं क्या बवाल मचा दिया था। मैं इसको मार तो देता बट हाँ ऐसे मारने का कोई मजा भी नहीं आ रहा था, मैं बोर अलग से हो रहा था। लेकिन आज अपन ने सारे बॉस स्पेल्स पकड़ लिए हैं, बाकी जो दो बॉस स्पेल दिखा रहे थे मैप में वो शो ही नहीं कर रहे वहां जाने के बाद। क्या पता अगली बार आ जाए या फिर अपडेट के बाद वहां पे आ जाए तो उनको अपन मार देंगे। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय और कमेंट्स करते रहो।